स्वास्थ्य और आयुर्वेद चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को पारुषक, जिसे फालसा कहते हैं, उसी पौधे से और उसके फलों से और उसके गुणों से मैं आप लोगों को परिचय करवाऊंगा और बताऊंगा। ये जो आप देख रहे हो ये फालसा के फल हैं। फालसा के वृक्ष छोटे से लगभग 10 फीट ऊंचे होते हैं। छाल इसकी धूसर रंग की होती है तथा खुरदरी होती है। पत्र उपपत्र युक्त होते हैं। पत्रों के किनारों पर आड़ी के समान दंतुर होते हैं। आधार के तरफ ये थोड़ा तिरछे होते हैं। इनके पुष्प पीले रंग के होते हैं तथा झुमकों में यानी गुच्छों में लगते हैं। इनके कच्चे फल हरे होते हैं और पक जाने पर इस तरीके के होते हैं। इनमें बहुत से रासायनिक संगठन पाए जाते हैं, लेपियाल, ल्यूपियोनोन, बेट्यूलिन, फ्रेडिलिन, एमेरिन, ग्रेबियानोल और सारे अन्य रासायनिक संगठन इसमें पाए जाते हैं। ये फल शीतल, ग्राही, रुचकर होते हैं। इनका उपयोग देख लीजिए, इसका पौधा है, ये कच्चे फल लगे हुए हैं, बहुत बड़ा पौधा भी नहीं होता है, देख लीजिए। ये बहुत सी शाखाओं से युक्त होती है। इसके पत्ते देख लीजिए, फल देख लीजिए। ये देखिए पूरा फैला हुआ है। बहुत सारे फल इस पर लगे हुए हैं। इसके पके हुए फल रुचकर होते हैं, शोथ शामक होते हैं। इनके पत्रों का प्रयोग छोटे छोटे फोड़े फुंसियों में बहुत लाभकारी है। इसके मूल की छाल आमवात गठिया में बहुत लाभकारी है। ये जलन को समाप्त करने वाला है। गर्मी के दिनों में इसके फलों का शरबत बनाया जाता है। ये शरबत हृदय रोग, पित्त रोग, इन सब रोगों में बहुत ही लाभकारी होते हैं। मधुमेह में इसके कांड का अंतर छाल, जो थोड़ा ऊपर से छीलने के बाद अंदर वाले छाल को लेकर के और जल में भिगोकर फिर उसके बाद उसे छान पीस करके और पिया जाए तो बहुत लाभकारी होते हैं। गले में एक रोग होता है, रोहिणी रोग, उस रोग में इसके पके फलों को क्वाथ बना करके और उनसे गरारा करने से आराम मिलता है। ज्यादा प्यास लगने पर फालसे की मूल की त्वचा पीस करके जल मिलाकर पीने से तृषा की इच्छा समाप्त हो जाती है। वर्ण रोपण के लिए इसके पत्तों को चटनी की तरह पीसकर फोड़े फुंसियों पर बांधने से बहुत लाभ होता है। इसके फलों में विटामिन सी की प्रचुर मात्रा होने के कारण ये शुक्रवर्धक भी है। पके हुए फल मधुर, शीतल, रक्त शोधक, पौष्टिक तथा बात शामक होते हैं। जबकि कच्चे फल इसके कट अम्लीय, पित्त, बात नाशक होते हैं।
इनके कच्चे फलों का चटनी बनाया जाता है। फालसे का शरबत जो बनाया जाता है उसमें 1 लीटर पानी, 1 किलो फालसे पके हुए, इन्हें 4 घंटे के लिए भिगो कर रख दें। उसके पश्चात अच्छी तरह मसल मसल कर हाथों से इसके कूचे पूरा निकाल दें। उस बचे हुए जल में मिश्री मिला करके इस शरबत बना लें। यह शरबत गर्मी के कारण होने वाले फोड़े, फुंसी, घमौरी, लू तथा और सारे रोगों को, रक्त पित्त में ये सब समाप्त कर देता है। इनके पके फलों का रस जल में मिलाकर मधु के साथ अगर सेवन किया जाए तो रक्त पित्त, जिसे नाक से खून आना कहते हैं, गर्मियों के दिन में अधिकतर लोगों के आ जाते हैं, वो सब समाप्त हो जाते हैं। पके फलों के रस का प्रयोग करने से कफ तथा हिचकी जैसे रोगों में भी बहुत लाभ होता है। ये विस्फोटक यानी छोटे छोटे जो फोड़े फुंसियाँ होती हैं उनमें इनके पत्र तथा इसकी कोमल कलियों को पीस कर लेप करने से शरीर पर जो बरसात में होने वाले फोड़े फुंसी हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। इसके कांड की छाल का क्वाथ पीने से आमवात, गठिया ये सब ठीक हो जाता है। फालसे का रस मधु के साथ सेवन करने से धात की पुष्टि होती है, धात रोग समाप्त होता है। तो आप लोग भी इस फालसे के पौधे को घर में लगा सकते हो और इसका लाभ ले सकते हो। अगर हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए बेल वाले बटन को दबाएं ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।